हे गाइस, क्या हाल चाल है। जैसा कि सायोमी ने हमें प्रॉमिस किया था कि पोको F1 को एडवर्टिन का अपडेट मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं बताया गया था। बट डोंट वरी गाइस, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं मिला है, लेकिन एमआई रूम की जो टीम है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है एडवर्टिन को हमें प्रोवाइड करने के लिए हमारे पोको F1 में। तभी फिलहाल मैं एमआई रूम का ही एक बिल्ड यूज कर रहा हूँ, जो कि बीटा बिल्ड है, जो कि एडवर्टिन के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको काफी कुछ नई चीजें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है और काफी हद तक स्टेबल भी बनाया गया है। इसके पहले मैंने 2-3 अपडेट दे दिए MIUI के पोर्ट रोम के, जो कि एंड्रॉइड 10 बेस्ड थे, जिसके अंदर काफी ज्यादा पैचेज वगैरह थी और काफी ज्यादा बग थी। बट ये काफी हद तक फिक्स्ड हो गया है। तो चलिए देखते हैं 1x1 करके कि क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि वर्किंग है, और क्या इसके अंदर आपको कमियां देखने को मिलती है। तो हर एक कमी और फीचर्स की हम बात करेंगे इस एंड्रॉइड 10 के MI रोम के अपडेट को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके अबाउट के सेशन से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल की तो एक लाइक जरूर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को इनेबल करना बिल्कुल ही ना भूले। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नेम है जो पोको F1 है, डिवाइस नेम पोको फोन आपको दिख जाता है, और MIUI का जो वर्जन है वो MIUI 11 का MI रूम 9.10.31, जिसे आप कह सकते हो 9.10.31 बीटा। एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, ऑफिशियल नहीं मिलता है बट MI रूम की ओर से हमें मिलता है। सिक्योरिटी पैच बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जो कि 2019.11.1 का रखा गया है। 6 जुलाई वर्जन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर्नेल भी थोड़ा अलग है जो यूज किया गया है। MIUI 11 के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग देखने को मिलती है एंड्रॉइड 10 को, जैसे चलिए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। कनेक्टिंग में MI शेयर कास्ट प्रिंटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में राइट टू बैक, डबल टैप और नोटिफिकेशन, और लॉन्चर ऑलवेज ऑन और नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दिख जाता है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो आप एक नया ऑप्शन मिलता है कॉलिंग के टाइम पे, कि अगर आप इसे सेट करोगे तो आपका मैक्सिमम ब्राइटनेस चला जाएगा कॉलिंग का स्क्रीन। तो ये नया फीचर हमें देखने को मिल जाता है हमारे MI रूम की ओर से, जिसपे आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कि कब से कब ये ब्राइटनेस लेवल है जो हाई जाएगा या फिर कब से कब है जो हाई नहीं जाएगा। रीडिंग मोड हमारा वर्किंग है इस पाइप का, एंड्रॉइड का जो पोर्ट रोम है MI रूम की ओर से, और साथ ही साथ डार्क मोड में आपको एक और ग्लोब का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि चाइना में बहुत सारे डिवाइसों को अवेलेबल कराया गया था बट इंडियन में तो प्रोवाइड नहीं किया गया था। बट इस डार्क के साथ ये ग्लोब का आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमारे MI रूम के एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट के साथ, जो कि काफी अच्छा और काफी बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हो। यूज न्यू MI फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है MIUI, तो इसमें कुछ खास मुझे नया चेंजिंग दिखाई नहीं देता है, बस ब्राइटनेस लेवल में थोड़ा सा लार्ज और थोड़ा सा स्मॉल दिखता है। इसके अलावा मुझे कुछ खास बिग चेंज नहीं दिखा है। सिस्टम फॉन्ट मिल जाता है, VR का ऑप्शन मिलता है, नॉच भी यहाँ पे फुल्ली फिक्स्ड है, तो आप नॉच को हाइड कर सकते हो, कोई भी आपको जो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है नॉच से रिलेटेड, चाहे आप जो भी यहाँ पे तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज कर लो। साथ ही साथ आप रो एंड कॉलम को मैनेज कर पाओगे, तो कुछ मैंने इसे इस तरीके से मैनेज किया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को अपेयर वगैरह करना आप चाहते हो तो कर सकते हो, अलार्म को और ब्लूटूथ को हाइड भी आप यहाँ पे कर पाओगे। फुल मोड और रोटेशन और लॉक स्क्रीन और फुल डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं साउंड्स के प्रोफाइल पे, तो साउंड के प्रोफाइल में जो कुरियर का ऑप्शन था वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शन है नेचुरल साउंड्स वगैरह वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा इफेक्ट देता है और काफी ज्यादा म्यूजिक भी प्रोवाइड करता है नेचुरल टाइप के। और यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकमिंग वीडियो प्रोफाइल था कॉलिंग के लिए वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है हमारे MI रूम की ओर से। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, ऐसे भी चाइना पे ही मिला है, ग्लोबल तो हमें मिला नहीं था, जो कि मैंने ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड किया था MIUI 11 का। होम स्क्रीन में आपको रेगुलर और साथ साथ ऐप ड्रॉअर दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रेगुलर यूज कर सकते हो या फिर ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर सेम टू सेम कॉपी किया गया है, कार्बन कॉपी किया गया है हमारे पोको लॉन्चर से, जो कि इसका डिफॉल्ट लॉन्चर है। तो यहाँ पे आप सेट कर पाओगे कुछ इस तरीके से, सिस्टम का बैकग्राउंड क्या रखना है वो भी आप मैनेज कर पाओगे, जैसे कि हमें पोको लॉन्चर में मिलता था। इसका स्क्रॉलिंग बार A to Z या फिर ओरिजिनल लेआउट रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, जैसा कि मैंने कहा कि पोको लॉन्चर से साफ साफ कार्बन कॉपी किया गया। आप ऐप वैलिड को है जो ऑफ कर सकते हो, इसके आइकन को भी कितना लार्ज या कितना स्मॉल करना है वो भी मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पे ये रो एंड कॉलम दिया गया है जो कि 6x7 तक जाता है, तो 5x6 तक रखोगे ज्यादा सही है, अगर 6x7 करोगे तो होम स्क्रीन काफी ज्यादा ओवरलैप हो जाता है, जो कि देखने में और लगता है, और बाकी वही सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ऐप ड्रॉअर कुछ इस तरीके से यूज कर पाओगे, जो कि सही है, लेकिन भाई पोको लॉन्चर की बात ही अलग है। तो देखते हैं कितने हद तक ये पोको लॉन्चर को कम्पीट कर पाता है, और Xiaomi की पुरानी आदत है अपने ही प्रोडक्ट को किल करने का, तो यहीं पे लॉन्चर को किल करने का काम किया जा रहा है।
वॉलपेपर थीम हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें जो परफेक्ट वर्किंग है, इनमें कोई भी इशू जो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि पहले जितने भी एंड्रॉइड 10 के पोर्ट रोम आए थे यू के थ्रू, एमआई रूम के थ्रू और कोई अदर, उसमें हमेशा हमें फेस अनलॉक का प्रॉब्लम मिला है और फिंगरप्रिंट का। बट यहाँ पे फुल्ली फिक्स्ड है आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह, और जीपीएस यहाँ पे आपका वर्केबल है। बैटरी के अंदर आते हैं तो आपको अल्ट्रा बैटरी सेविंग भी देखने को मिल जाता है, और बाकी अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर भी मिल जाता है। और यहीं पे इसके बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो भाई स्टैंड बाय में आपको फुल्ली परफेक्ट डिटेल देखने को मिल जाता है। आप देखते हो कोई भी स्केल जो डाउन नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे यूज करोगे तो बैटरी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, तो बैटरी बैकअप में थोड़ी बहुत गिरावट आती है एज कम्पेयर टू ऑफिशियल MIUI रोम के मुकाबले। बट भाई ये अभी फिक्सिंग वाले बिल्ड्स आ रहे हैं तो इतना तो ड्रेनिंग हम कम है जो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड बाय आपको बिल्कुल ही सही मिलता है, लेकिन आप जैसे यूज करोगे तो काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन होते हुए नजर आएगा, यानी यूजिंग पे बैटरी ड्रेन होती है एज कम्पेयर टू ऑफिशियल MIUI या फिर ऑफिशियल EU के अपडेट्स को लेकर। तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा बैटरी को लेकर अगर आप एंड्रॉइड 10 चाहते हो यूज करना। तो यहाँ पे एप्स लॉक में वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि पहले भी हमें मिलते आए हैं। एडिशनल सेटिंग्स में आपको वही सारे मिल जाते हैं, साथ साथ कलर मिल जाता है, फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे म्यूजिक मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और एंड्रॉइड 10 होने की वजह से काफी ज्यादा स्मूथ फीलिंग देता है, कोई भी लैग नहीं है, काफी अच्छा टच रिस्पॉन्स, काफी अच्छा एनिमेशन वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन ऑन टाइमिंग यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ऑफिशियल ग्लोबल में हमें डिजिटल वैल्यूइंग देखने को मिलता है, तो मे भी जल्दी ये स्क्रीन ऑन टाइम है जो हट जाएगा और डिजिटल वैल्यूइंग आ जाएगा। स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है, जिसमें आपको कोई भी कमी मिलती नहीं है, और बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला आपको गेम टर्बो भी देखने को मिल जाता है। बाकी अकाउंट और गूगल वगैरह देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 10 का आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है, सॉरी MIUI 11 का लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो कि MIUI 11 का परफेक्ट वर्किंग है। कैमरे की बात करें तो कैमरा भी फुल्ली फिक्स्ड है, बट एक बग यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सो यहाँ पे आप है जो स्लो मोशन के वीडियो शूट कर पाओगे, और साथ ही साथ आप है जो शॉर्ट वीडियो शूट कर पाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, पोर्ट्रेट भी कर फोटोज भी क्लिक कर पाओगे, नाइट सेट भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। साथ ही साथ इमोजी का नया ऑप्शन दिया गया है, तो आप इमोजी भी यहाँ पे है जो यूज कर सकते हो। इमोजी जो जस्ट फेस रिक्वाइज नहीं कर रहा है, अदरवाइज आप इमोजी भी यहाँ पे जो क्रिएट कर पाओगे। इमोजी ऐसे पहले से दिए नहीं गए हैं, बट यहाँ पे जो आपका फेस रिक्वाइज में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको इमोजी से भी रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। पैनोरमा भी आपको यहाँ पे वर्केबल है, और साथ ही साथ प्रो मोड भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, लेकिन एक कमी यहाँ पे मिलती है, फर्स्ट इमोजी का फेस डिटेक्शन में, और सेकेंड आपको आ जाए पोर्ट्रेट में। जी हाँ, तो पोर्ट्रेट बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, तो यहाँ पे काम नहीं करता है, और कभी कभी कैमरा क्रैश या फिर एरर भी देता है। तो पोर्ट्रेट का फिक्स होना अभी इम्पोर्टेंट है, और जो कि उम्मीद करते हैं नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अगर आप पहले वाला 6.2 का कैमरा यहाँ पे यूज करोगे जीके, तो नॉर्मल चीजें यूज कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे ये भी है जो आपके पोर्ट्रेट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी पोर्ट्रेट का पिक्चर में HDR का प्रोसेस काफी लंबा चलेगा, उसके बाद भी आपको पोर्ट्रेट के इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीके यूज करना होगा, जो कि जीकेम 7 है, जो कि हमारे पिक्सल 4 से पोर्ट किया गया है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे जो पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक कर पाओगे, तो आपकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर की जो इश्यूज थी, प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाती है हमारे जीकेम 7 को लेकर, जो कि पिक्सल 4 का एक पोर्ट कैमरा है, जो कि पोको F1 में काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसकी वीडियो भी मैंने आपको बहुत टाइम पहले प्रोवाइड कर दिया था कि पिक्सल 4 का जीकेम 7 कैसे यूज करना है। पहले से ही आपको रूटेड मिलता है, तो अगर आप रूट नहीं यूज करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, बट ये पहले से प्री रूटेड मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर L1 के सपोर्ट की बात करें, तो आपको L1 का सपोर्ट अभी नहीं मिलता है, तो जब तक ये पूरा फिक्स होगा, जब तक हमें L1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी छोटी मोटी कमियां तो देखने को मिल जाती है, लेकिन काफी हद तक मैं कहूंगा कि अब तक के जितने भी एंड्रॉइड 10 के EU या MIUI पे बेस्ड एंड्रॉइड 10 के अपडेट आए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट है ये अभी तक का, क्योंकि बहुत कम देखने को बग मिलते हैं, और स्टेबिलिटी और स्मूथनेस तो काफी कमाल की मिल जाती है। वहीं पे इसके Antutu के स्कोर की बात की जाए, तो जो Antutu का स्कोर हमें मिला है वो है 33702 का, और ये जो लेटेस्ट वाला Antutu का स्कोर है V8.0.2, जो कि करीब 500 से 600 MB के आसपास आता है, जो कि आपका रूट भी डिटेक्ट कर लेगा कि आपका रूट है फोन, इसकी वजह से स्कोर ज्यादा जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्कोर रूट की वजह से जा रहा है, कि कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बस सिंपली ये रूट है। तो यहाँ पे आपको रूट डिटेक्ट भी करके देगा, और स्कोर भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड दिखाता है हमारा Antutu स्कोर 7.2.2 के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको स्कोर काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और वही अगर आप 7.2.2 का यूज करते हो Antutu का,
तो आपको ओनली उन्हें जो स्कोर देखने को मिलेगा 29 के आसपास का, जो कि कह सकते हो कि सही है क्योंकि 29 का भी स्कोर काफी बेटर है और यह थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। अब आते हैं इसके फ्लैशिंग के मेथड के ऊपर कि हमें इसे फ्लैश कैसे करना है। मैं कहूंगा कि भाई ओवरऑल काफी दमदार है और आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो बेशक ट्राई करो, काफी हद तक स्टेबल हो गया और काफी हद तक आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा और आप पिक्सल 4 का कैमरा यूज करके अपने कैमरे वाली प्रॉब्लम को भी है जो यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तब हम स्विच करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के मेथड पे कि इसे हमें फ्लैश कैसे करना है हमारे पोको F1 के अंदर। तो यहाँ पे टी वाइप ओपन होते ही आपको सबसे पहले वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप जाना है, डेल्वी कैश सिस्टम डेटा को सिलेक्ट करके और स्वाइप कर देना है। इंटरनेशनल को वाइप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको इंस्टॉल पे जाना है, अपने फाइल को ब्राउज करना है जहां पे भी आपने फाइल को रखा है। तो ये रहा हमारा पोको F1 पोर्ट MIUI 9.10.31 MI ROM 10.0, इसे आपको सिलेक्ट करना है और कर देना है स्वाइप। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको बैक पे आना है, इंस्टॉल पे जाना है और आपका DFE जो है उसे फ्लैश करना है ताकि आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली जो प्रॉब्लम आती है वो देखने को ना मिले। तो ये रहा डिसेबल DM वेरिफिकेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DFE, और इसे इंस्टॉल कर देना है सबसे लास्ट में। और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली जो रिबूट पर टाइप करके आपको यहाँ पे 5 मिनट का वेट करना है। आपका फोन बहुत जल्दी बूट कर जाएगा, आप मेरे अकाउंट लॉगिन कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे और इजीली तरीके से यूज भी कर पाओगे। तब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप इसे यूज करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक पोर्ट्रेट का बग मैंने आपको दिखाया है वो इजीली सॉल्व हो जाता है हमारे गूगल के पिक्सल 7 के कैमरे को लेकर। ठीक है, तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड, और ऑल्सो यू हैव एनी डाउट सो यूज कमेंट बॉक्स। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।